हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उससे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँ, ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसे देख कर आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल की स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन, अपने मोबाइल की स्क्रीन को साइड बार को जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने सारे फंक्शन ओपन हो जाएंगे, सारे फंक्शन हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे, और अपने यार दोस्तों को दिखाकर उन्हें चौंका सकते हैं कि किस तरीके से आपने ये अपने मोबाइल में स्क्रीन पर कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे एप्लीकेशन मेरे साइड से आने लगे हैं, जैसे ही मैं इधर से क्लिक करके खींच के लाऊंगा पट्टी को इस साइड में, देखिए ये ऑप्शन आ चुके हैं मेरे सामने, सारे ऐप्स निकल आएंगे, जितने भी मोबाइल में ऐप्स होंगे सारे ऐप्स यहाँ से शो करने लगेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन का नाम है, इसे आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड इंस्टॉल करके और इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसकी सेटिंग करना है और अपने सेटअप बार में लगा लेना है। तो जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सर्च बार पर क्लिक कर देना है, सर्च बार पर क्लिक करने के बाद में लिखना है आपको स्वैप। तो स्वैप आप लिखने के बाद, जैसे ही आप स्वैप लिखेंगे उसके बाद में आपको सर्च बार पर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे के लिए चले जाना है, स्क्रॉल अप डाउन करते चले जाना, स्क्रॉल डाउन डाउन करेंगे तो उसके बाद में आपको एक ऑप्शन आ जाएगा स्वैप ऑल फॉर ऐप्स एवरीवेयर। तो इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस चलाएगा, तो आपको जनरल सेटिंग बारे पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनेबल सारे ऑप्शन अवेलेबल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर बैक चले जाना है, बैक चले जाने के बाद एक्टिव वाले ऑप्शन पर जाकर आपको एक्टिव बटन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा करीब 18 पर रख देना, 18 dpi जब रख देंगे इसके बाद में आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, और एक्टिव स्पीड हाइट पर दो इसको भी आपको करीब 100 के करीब कर देना है, 100 102 कर देना है, 100 102 कर देने के बाद ओके बटन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये बॉटम के बटन बताएगा कि किस साइड से आप अपने मोबाइल के ऐप्स लिखाना चाहते हैं। तो सेंटर पर करेंगे तो सेंटर पर क्लिक करेगा, और टॉप बॉटम पर करेंगे तो टॉप बॉटम पर ये निकालेगा। देखिए टॉप बॉटम पर यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ से सारे ऐप्स निकलने लगे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।